गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशंस आईएएस टॉपर्स मंत्र पर। तो आगे बढ़ने से पहले बताइए स्टूडेंट्स, इफ आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल, सो दैट वी मे प्रोसीड अहेड इन टुडेस सेशन। दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह, द चीफ मेंटर एंड डायरेक्टर एट आईएएस टॉपर्स मंत्र मेंटरशिप इंस्टीट्यूट बेस्ड इन पुणे। एंड स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के इस सेशन में। अगले लगभग एक घंटे 20 मिनट हम लोग देखने वाले हैं जो भी न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुए हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, लाइव मिंट, इंडियन एक्सप्रेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द हिंदू न्यूज़पेपर। वी आर गोइंग टू सी ऑल द न्यूज विद अ बैकग्राउंड ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट सर्विसेज। दिस इज द बेस्ट करंट अफेयर्स सेशन गोइंग ऑन इन इंडिया फॉर द कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशंस एंड लेट्स बिगिन ऑफ नाउ। आज है 12 जनवरी शुक्रवार और आज देखेंगे हम एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स और न्यूज सिनॉप्सिस सारे न्यूज पेपर्स का। फिलहाल मेरे बारे में एक शॉर्ट इंट्रो। दिस इज डॉक्टर अनुराग, अ पैशनेट यूपीएससी मेंटर एंड एक्सपर्ट इन द फील्ड फॉर द पास्ट 1 decade इन ऑफलाइन मेंटरिंग एंड पास्ट 4 years इन ऑनलाइन मेंटरिंग अपॉन वेरियस टेक प्लेटफॉर्म्स। यूपीएससी में मेरा एक्सपीरियंस 4 attempts में 2 बार पर्सनैलिटी टेस्ट देने का है। देखिए आप 2005, 2006, 2007, 2008 एंड आई हैव ऑल्सो वर्क एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्सेस इन उत्तर प्रदेश स्टेट सिविल सर्विसेज थ्रू यूपीपीसीएस एग्जामिनेशंस फॉर 3 years आफ्टर विच आई रिजाइन टू परस्यू माई पैशन ऑफ मेंटरिंग द यूपीएससी एस्पिरेंट्स। एंड यू कैन सी माई रोल नंबर्स एंड द अटेम्प्ट्स। मैंने अभी सर्टिफाइड कॉपीज भी मंगाई है आरटीआई करके, तो आप लोगों को मार्कशीट भी मैं दिखा दूंगा यूपीएससी में जो अटेम्प्ट्स मैंने मेरे हुए थे। और स्टूडेंट्स, इस सेशन के फ्री पीडीएफ के लिए आप आईएएस टॉपर्स मंत्र पुणे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे टेलीग्राम चैनल्स दिए गए हैं। आपको लग रहा होगा कि सारे टेलीग्राम चैनल्स में कॉमन चीज़ें हैं, नहीं, कहीं कहीं अभी हैंड रिटन नोट्स आने वाले हैं, कहीं कहीं आंसर राइटिंग आने वाला है, तो चिंता मत कीजिए। बिल्कुल आप जुड़ जाइए सारे लिंक्स में, जो भी लिंक्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं बता दूं, आईएएस टॉपर्स मंत्र ने लॉन्च किए वेरियस ऑफलाइन कम ऑनलाइन कोर्सेज। ऑफलाइन कोर्सेज भी हैं, जो लोग पुणे में हैं मोस्ट इन्वाइटेड कम एंड अटेंड द लेक्चर्स। फ्री कोर्स है सीसेट का, आज भी शाम को है 6 से 8 बजे तक। तो सीसेट में टारगेट 55 लेकर चल रहे हैं हम लोग, इसका मतलब साफ है कि 55 सवाल आएगा। तरीके से आप हैंडल कर लीजिएगा अगर आप क्लासेस फॉलो कीजिएगा। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीटली, इसी चैनल पर चल रहा है। ऑल्सो मैपिंग सेशंस, कल राजस्थान की मैपिंग हम लोग देख रहे थे और आज भी राजस्थान की मैपिंग कंटिन्यूड रहेगी। मैपिंग टारगेट 20 चल रहा है, 20 सवाल डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पॉलिटी, प्रशासन, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, सिटीज, अर्बनाइजेशन, स्वच्छ भारत अभियान, सारे टॉपिक्स को लेकर हम लोग देख रहे हैं। इसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग थ्रू मैपिंग सेशंस, और हम लोग यहाँ टारगेट 20 का अप्रोच सफल रहेगा। इसके अलावा पेड कोर्सेज में तो मैपिंग भी फ्री है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेड कोर्सेज में सक्षम मेंटरशिप क्लासेस ऑफलाइन कम ऑनलाइन, स्पेशली इंजीनियर फॉर प्रीलिम्स जीएस में टारगेट 65। लास्ट टाइम 38 questions केम अप फ्रॉम सक्षम मेंटरशिप क्लासेस। सक्षम मेंटरशिप क्लासेस में इश्यू बेस्ड डिस्कशन होता है, मैं बता दूं आपको, हर सैटरडे संडे को, एंड साथ में एक वीकडेज में स्टैटिक एरियाज का रिविजन भी होता है। ये देखिए हम लोग इंडिया ईयरबुक भी कवर कर रहे हैं, योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, पीआईबी एंड यस इट आल्सो इंक्लूड्स टेस्ट सीरीज, 20 tests एंड ऑफ जीएस एंड 10 tests ऑफ सीसेट। ऑलरेडी द टेस्ट सीरीज लाइव अप ऑन द पोर्टल। जिन लोगों को अलग से टेस्ट सीरीज चाहिए वो लोग अलग से जुड़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज का शेड्यूल दिया गया है यहाँ पर। एंड अगर कोई डाउट्स रहे तो यू कैन ऑलवेज आस्क अप ऑन द फॉलोइंग मोबाइल नंबर 9999888 7358 9999888 7358। सक्षम क्लासेस का कोर्स फी 7 महीने का 20,000 रुपये है, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, एंड टेस्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशंस भी इस संडे से शुरू हो रहे हैं। एवरी संडे 2 hours एक्सप्लेनेशन टेस्ट सीरीज के रहेंगे। सक्षम क्लासेस का मैं फिर से कोर्स फी बता रहा हूँ, 7 महीने का 20,000 रुपये, 3,000 अप्रॉक्स आ रहा है 1 महीने का। और ये 1 नवंबर से चालू हुआ है, आपको पुराने लेक्चर्स भी ऑनलाइन रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, यू कैन वॉच द लेक्चर्स एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। साथ में जो लोग केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए टेस्ट सीरीज 7,500 रुपये में उपलब्ध है, ओनली एट 7,500 रुपीज, द बेस्ट टेस्ट सीरीज। एंड अटेंड द क्वेश्चंस, यू विल बी एबल टू गैदर कॉन्फिडेंस फॉर यूपीएससी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज है 12 जनवरी शुक्रवार, आइए देखते हैं क्या टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स
न्यूज में जो शॉर्ट में यहां लिखा हुआ रिपब्लिक डे टैबलॉज कंट्रोवर्सी दिल्ली वेस्ट बंगाल पंजाब देखेंगे हम लोग क्या ये फेडरलिज्म के कंसेप्ट के खिलाफ है इज इट गिविंग वे टू केस ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स हम ये देखेंगे सेकंड कंट्रोवर्सी इन द पार्लियामेंट पार्लियामेंट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंडिया फॉलो करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं हम लोग एंड आज एक आर्टिकल आया है ओपिनियन इन ऑन द हिंदू पेज नंबर 6 वी आर गोइंग टू सी पार्लियामेंट एंड द रीसेंट कंट्रोवर्सीज थर्ड पॉइंट साउथ अफ्रीका इसराइल का डिस्प्यूट चल रहा है साउथ अफ्रीका ने एलेज किया है इट हैज एलेज्ड इसराइल हैज वेंट ऑन टू कमिट अ जीनोसाइड जीनोसाइड क्या होता है जीनोसाइड कन्वेंशन क्या वी आर गोइंग टू सी एंड नेक्स्ट इंडिया बांग्लादेश एंड इंडिया मालदीव्स रिलेशंस डिटेल में आए हैं आज द हिंदू में एक्सप्लेन पेज और आर्टिकल ओपिनियन पेज पर लाइव मेंट से इकोनॉमिक्स का पेज पूरा भरा हुआ है मैं बता दूं आज इकोनॉमिक्स से 4-5 न्यूज़ हैं और आइए शुरू करते हैं आज मैपिंग सेशन के साथ में मैपिंग इन डेली करंट अफेयर्स प्लेसेस इन न्यूज लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स निकाल लीजिए जीएस पेपर्स का सिलेबस निकालिए 3-4 कलर के पेन और निकाल लीजिए करंट अफेयर्स की कॉपी यस गुड मॉर्निंग मुकेश आरती अक्षय भावना तपस्या एवरीवन आउट हियर आइए बढ़ चलते हैं सो यूपीएससी स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स कॉर्नर डेली फैक्ट शॉट्स द फर्स्ट न्यूज कम्स अप एक फोटो आया द हिंदू में फोटोग्राफ्स भी क्या इंपॉर्टेंट होते हैं पिक्स यस ये देखिए ये फोटोग्राफ दिखा रहा है कैटल स्ट्रैंडेड है रिवर डैन्यूब के ऊपर एक आइलैंड है सेदिंस का आधा यस ये देखिए यहां पर हैव अ लुक स्टूडेंट्स एक आइलैंड है सेदिंस का आधा रिवर डैन्यूब में सर्बिया में तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर डैन्यूब बिकम्स अ की एलिमेंट ऑफ मैपिंग टुडे रिवर डैन्यूब मैप ये देखिए यूरोप में फ्लो करती है रिवर डैन्यूब ये देखिए स्टूडेंट्स बार बार न्यूज रिवर डैन्यूब के ऊपर दिस ईयर इट्स अ कंफर्म्ड क्वेश्चन ओवर रिवर डैन्यूब इट कैन कम अप कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज और ये एक सवाल हम लोग कल देखने वाले हैं सेशन में कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज हंगरी सर्बिया चेक रिपब्लिक ऑस्ट्रिया रोमानिया फ्रॉम हाउ मेनी कंट्रीज डज रिवर डैन्यूब फ्लो थ्रू हाउ मेनी कंट्रीज ओनली वन ओनली टू ओनली थ्री नन ऐसे करके आएगा तो देखिए रिवर डैन्यूब देखिए यहां से स्टूडेंट्स निकल रही है राइट फ्रॉम द जर्मनी स्विट्जरलैंड बॉर्डर इट्स क्रॉसिंग अक्रॉस एंटरिंग ऑस्ट्रिया इट्स नॉट एंटरिंग चेक रिपब्लिक कल हम लोगों ने देखा था ये यहाँ पर बोहेमियन एक डायनेस्टी भी रूल करती थी बोहेमिया इसे कहते हैं इस बेल्ट को तो ऑस्ट्रिया वियना कैपिटल लोकेटेड है उसके बाद इट एंटर्स हंगरी ये देखिए एंड सॉरी इट एंटर्स स्लोवाकिया ऑल्सो देन एंटर्स हंगरी And Hungary's capital Budapest is located upon this. Even Slovakia's capital, Bratislava, ये देखिए, is located across this. ये देखिए, note कर लीजिएगा. Hungary के बाद ये it goes for a 90-degree turn, goes down, flows through Belgrade. Belgrade is capital of Serbia, and this has come in the news. You can see it here. The island of Sedinska Ada pairs. River Danube, very important. Then it crosses through Serbia into Bulgaria. Bulgaria ke baad, it crosses into Romania and then falls into Black Sea Belt. Note kar lijiye. River Danube ke baare mein ek cheez famous hai. It is the only river which touches maximum countries. Kitni countries touch karti hai ya flow across karti hai, aapka ye homework hai. Task answer writing group pe put karna hai. क्लियर ये पहला टॉपिक सेदिंस का आधा आइलैंड्स न्यूज में आ रहे हैं स्टूडेंट्स रिवराइन आइलैंड्स मजूली आइलैंड तो पता ही होगा आप लोगों को ब्रह्मपुत्र रिवर पर है लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड यस आइए सेकंड न्यूज देखते हैं ब्लैक सी लोकेशन तुर्की बुल्गारिया रोमानिया ज्वाइन फोर्सेस टू हंट ब्लैक सी माइंस ये देखिए बॉम्ब डाले गए थे ब्लैक सी के अंदर रशिया यूक्रेन वॉर का रिपरकशन देखिए और ब्लैक सी का लोकेशन देख लीजिए इंपॉर्टेंट यस यूक्रेन की मैपिंग इस बार आई है स्टूडेंट्स ब्लैक सी की मैपिंग आ सकती है नोट कर लीजिएगा ब्लैक सी एनसर्कल्ड बाय तुर्की फ्रॉम द साउथ जॉर्जिया फ्रॉम द ईस्ट रशिया फ्रॉम द ईस्ट एंड देन यूक्रेन फ्रॉम द नॉर्थ
And then Romania and Bulgaria from the West, noted down, very important. I repeat, Ukraine, Romania, Bulgaria, Turkey, Georgia, Russia. So these countries are there. Isme se Bulgaria, Romania and Turkey, all three are NATO members. Ye dekhiye. Aur in tino ne join kiye hain forces, land mines ya sea mines keh lijiye, niche dale gaye the bombs, usko search karne ke liye. NATO members, Turkey, Bulgaria and Romania signed a pact on demining the Black Sea to ensure safe passage after Russia's war in Ukraine. So NATO, North Atlantic Treaty Organization, headquarters Brussels, Belgium. Ye dekhiye. Formed in the post World War II era under the Truman Doctrine. Truman Doctrine was named after the then president of US, President Truman. Noted down. Black Sea boundaries, countries. Is it clear? Your second map aaj ke liye important. Aaiye teesra news mapping mein dekhte hain. Birni Hat, live mint ka news hai. The most polluted city in 2023. Okay. Birni Hat ke baad, Birni Hat kahan par hai? Meghalaya. Note kar lijiyega. Ye state civil services aur SSC mein aa sakta hai. And Birni Hat ke baad Begusarai in Bihar. Ye dekhiye, rank 2 polluted cities. Kaun sa pollution? Air pollution. Kaise malum chala? National Ambient Air Quality Standards discussed day before yesterday on this portal in current affairs on 10th of Jan. Yes. And third, Greater Noida. Ye dekhiye, third polluted belt, Greater Noida in Uttar Pradesh. Note kar lijiye. So this NCAP ko lekar, National Clean Air Program. Did we discuss this topic, students? Have a look. National Clean Air Program. Ye dekhiye yahan par. Most Indian cities are far from clean air target. Ye dekhiye, The Hindu page 1. Ye aaya tha aaj se 2 days back. 10th January ka ye news hai. Ye dekhiye. National Clean Air Program. Ye dekhiye, discuss kiya tha Kolkata, Delhi, Mumbai ka pollution. Discuss kiya gaya tha. NCAP was launched in 2019 and aim is 40% reduction in the air pollution standards. Ye dekhiye. And different geographical reasons, we all discuss this topic, students. NCAP, yahi discuss kiya gaya tha, what is National Ambient Air Quality Standards. National Ambient Air Quality Standards shuru kiya gaya 1990s mein, 2009 mein, sorry 1984 mein shuru kiya gaya, 2009 mein last updated. NAAQS, very important. Yes, good morning all the newcomers. Is it clear? Tell me. So Birni Hat, Meghalaya. Second rank, Begusarai, Bihar. Third rank, Greater Noida, Uttar Pradesh. Rank hamesha achha nahi hota. Moral story ka yahi hai. Ye dekhiye. Chaliye aage badhte hain, students. Let's proceed ahead. Ye dekhiye, NCAP ka target tha 20-30% reduction in PM2.5 and PM10 by 2024. Ye naya target kiya gaya. 40% reduction by 2026. देखिए, जैसे आप करते हैं targets modify, रोज 4 घंटे पढ़ना आपने decide किया, 2 महीने तक, 15 days चले गए, अब 8 घंटे पढ़ना है, 1 महीने तक, फिर 15 दिन चला गया, अब 16 घंटे पढ़ना है, 15 दिन तक, फिर चला गया 7 दिन, अब 20 घंटे पढ़ना है, 5 दिन तक, फिर चला गया 3 दिन, अब कुछ नहीं पढ़ना है, जाके exam देना है, तो ये देखिए students. I suppose these are the three news for maps. Let's proceed ahead towards the topics in detail. So, sabse pehla topic dekha jaye, kahan se aa raha hai, students? From topic of Indian polity and constitution. Yes, Indian polity and constitution se kya aaya hai topics dekha jaye. Sabse pehla Republic Day tableaus controversy. Aaiye dekhte hain, what is Republic Day tableaus aur kya controversy hai, dekha jaye students. Let's see. Republic Day tableaus. Tableaus ka matlab kya hota hai, dekh lijiye. Tableaus is a plural noun of tableau. Ye dekhiye. A group of models or motionless figures representing a scene from a story or from history. Ye dekhiye. Example.
ये रिपब्लिक डे परेड में इट शोकेस्ड. डिफेंस मिनिस्ट्री चेक करती है, ये देखिए रिपब्लिक डे टैबलॉज. टैबलॉज इज अ प्लूरल, टैबलॉज इज अ सिंगुलर. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम आउट हियर, लेट्स सी स्टूडेंट्स, टैबलॉज में प्रॉब्लम्स क्या है. मिनिस्ट्री इन्वॉल्व्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर सेलेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फॉर एडवाइस. किसे? स्टेट्स को एडवाइस देने के लिए कि भाई ऐसा ऐसा मॉडल बनाओ. कॉन्ट्रोवर्सी कहां एरप्ट किया और क्या आया है टॉपिक आज न्यूज में. द एक्सप्लेन्ड पेज, पेज 7, पेज 10 द हिंदू. ये देखिए, इज टैबलॉ सेलेक्शन टर्निंग इनटू अ पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड. और साथ में ही एडिटोरियल आया है, यस पेज दिस इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज पेज 8 या पेज 7 पर. आइए देखते हैं. द ऑनगोइंग डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स, गवर्न्ड स्टेट्स, इसमें वेस्ट बंगाल पहला स्टेट, सेकंड दिल्ली और थर्ड पंजाब. इनका टैबलॉज रिजेक्ट कर दिया गया. डिफेंस मिनिस्ट्री टैबलॉज रिजेक्ट करती है इन तीनों स्टेट्स के. ये देखिए फीचर्स क्या है टैबलॉज सिलेक्शन के. डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है मैं अलग अलग प्रोसेस फॉलो करता हूं. पहला, वन स्टेट मल्टीपल प्रपोजल्स कैन कम अप, मैं एक ही चूज करूंगा. सेकंड, लोकल रिसोर्स या लोकल कल्चर आना चाहिए तब मैं चूज करूंगा. थर्ड, 3D मॉडल्स आने चाहिए, 2D मॉडल्स नहीं चलेंगे. फोर्थ, प्रपोजल शुड कम मंथ्स इन एडवांस एंड डिफेंस मिनिस्ट्री विल ओवरसी द सेलेक्शन क्राइटेरिया. ये देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री पर पूरा डिपेंड करता है सिलेक्शन क्राइटेरिया, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एडवाइस करती है क्या क्या आप कर सकते हैं. दैट्स इट. तो स्टेट गवर्नमेंट्स आर देन रिक्वेस्टेड टू सेंड. हैव अ लुक दिस ईयर टैबलॉज प्रपोजल्स बाय पंजाब, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल, ऑल नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स फेल टू मेक द फाइनल कट. आम आदमी पार्टी गवर्न कर रही है दिल्ली को और पंजाब को, तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल को. वेस्ट बंगाल, दिल्ली ने क्या सबमिट किया था? दिल्ली ने सबमिट किया था मोहल्ला क्लिनिक्स और एजुकेशन सर्विसेज, शोकेस करने के लिए कि देखिए हमारे यहां ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से चल रही हैं. वेस्ट बंगाल ने शोकेस किया था कन्याश्री स्कीम दैट सीक्स टू इंप्रूव द स्टेटस ऑफ गर्ल्स. 4 days बैक चाइल्ड मैरिज द कंसेप्ट केम अप, कन्याश्री स्कीम एंड प्रकल्प श्री स्कीम, याद कर लीजिए. पंजाब ने सबमिट किया था सेक्रीफाइस द स्टेट्स हेरिटेज हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, सेक्रीफाइसेस मेड बाय फ्रीडम फाइटर्स. ऑल थ्री रिजेक्टेड एंड दिस थ्री स्टेट्स वेंट ऑन टू कंडेम द डिफेंस मिनिस्ट्रीज रिजेक्शन ऑफ देयर टैबलॉज. एंड इन स्टेट्स ने कहा कि इट इज गोइंग अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म. इन स्टेट्स का क्या कहना था देख लीजिए. कॉन्ट्रोवर्सी, सेलेक्शन एंड रिजेक्शन, अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स आउस्टेड, फेडरलिज्म अंडर स्कैनर. यू कैन सी इट हियर, दिस वॉज द कॉन्ट्रोवर्सी विच केम अप. देख लीजिए एरो से यहां पुट अप कर दिया गया है पीपीटी में. देखिए कॉन्ट्रोवर्सी, यस रिपब्लिक डे टैबलॉज. सवाल यही है स्टूडेंट्स कि क्या वाकई में ये एक नया बैटल ग्राउंड बनकर उभर रहा है सामने, यस कॉन्फ्रंटेशन का, यस. लास्ट ईयर 2022 ऑल्सो 22 एंड 23 केरल एंड तमिलनाडु के टैबलॉज रिजेक्ट कर दिए गए थे. बाद में जब ये दिस रिपब्लिक डे टैबलॉज के बाद जब दिस भारत पर्व सेलिब्रेट किया गया तो उसमें शोकेस किया गया, लेकिन नॉट ऑन 26 जैन. दैट्स इट. द फैक्ट इज दैट हैज इट लेड टू द एरप्शन ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी. यस, अ वॉर ऑफ वर्ड्स इज फॉलोड बिटवीन आप एंड बीजेपी एंड देन तृणमूल कांग्रेस एंड बीजेपी. सेंटर हैज डिसमिस्ड द चार्जेस, क्लैरिफाइड दैट पंजाब प्रपोजल डिडंट अलाइन विद द ब्रॉडर थीम. सेंटर ने अपने अपने रीजंस दिए हैं. लास्ट ईयर तमिलनाडु, केरल और वेस्ट बंगाल को एक्सक्लूड किया गया था. वेस्ट बंगाल तो एक्सक्लूड ही चल रहा है. देखिए यहां पर सवाल यही है स्टूडेंट्स कि क्या इसको चेंज करने की जरूरत है. ये देखिए द इंडियन एक्सप्रेस में आज ही आया है डिस्कशन ऑल इन ऑल एक ही टॉपिक पर जहां जहां न्यूज पेपर में हम लोग चेक कर रहे हैं यहां पर स्टूडेंट्स. ये देखिए, सो इंडियाज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस आर इनकम्प्लीट विदाउट कलरफुल टैबलॉज सेंटरिंग डाउन कर्तव्य पथ फॉर्मली राजपथ शोकेसिंग इंडियाज रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज. इट्स अ शोकेसिंग ऑफ इंडियाज कल्चरल हेरिटेज अक्रॉस द स्टेट्स. एंड यस, रिजेक्शन ऑफ द टैबलॉज पुट्स अप अ बिग क्वेश्चन मार्क ओवर द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म इन द कंट्री. व्हाट इज फेडरलिज्म
लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, मुझे बता दीजिए। सवाल यही है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? सिलेक्शन प्रोसेस स्टेज वन एंड स्टेज टू डिफेंस मिनिस्ट्री सब कुछ देखती है स्टूडेंट। ये देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री ने पुटअप किया कि मेरा सिलेक्शन प्रोसेस यही होता है। कमिटी सेटअप की जाती है, ऑफिशियल्स रहते हैं, भारत रत्न बॉडीज रहते हैं, वो लोग चेक करते हैं यहां कहीं भी कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है। ये डिफेंस मिनिस्ट्री का क्या नाम है, डिफेंस मिनिस्ट्री। फिलहाल इसको लेकर क्या कहीं आप इस टॉपिक को अटैच कर सकते हैं एज वैल्यू एडिशन इन सम क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2021 यूपीएससी मेंस। ये देखिए, आपके विचार में सहयोग, स्पर्धा एवं संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है? हाउ फार डू यू थिंक कोऑपरेशन, कॉम्पिटिशन एंड कन्फ्रंटेशन हैव शेप्ड द नेचर ऑफ फेडरेशन इन इंडिया? सो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज कन्फ्रंटेशन। ये देखिए, देयर इज अ वर्ल्ड वर्ड कॉज्ड एज नोन एज संघर्ष। ये देखिए, इसी में आप अटैच कीजिएगा इस टॉपिक को एज वैल्यू एडिशन। कन्फ्रंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? मुझे बताइए, 10 मार्क्स ऑन 50 वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब सवाल यह है कि आज एडिटोरियल भी आया है, ये देखिए द हिंदू में, एक साथ एक्सप्लेन पेज दोनों जगह पर, और देखिए एडिटोरियल द हिंदू, यू कैन सी इट हियर, शो ऑफ फेयरनेस वन ऑन द फॉर्मूला फॉर सिलेक्शन ऑफ रिपब्लिक डे टैबलॉज। जैसे ही कॉन्ट्रोवर्सी इरप्ट की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा मैं अब अगले साल से ये सारा प्रोसेस ऑब्जेक्टिव करने वाला हूं। ऑब्जेक्टिव, यस, अभी तक कॉन्ट्रोवर्सी थी, अब सब कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। पूछा गया कैसे, डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा रोटेशनल प्लान, ensuring that all states and UTs get a chance to display their tableaus at Republic Day parade within 3-year cycle. 3 साल में कभी कभी आपका दिखाया जाएगा tableaus, that's it. Rotational plan has been out by Defense Ministry on its website now. This year tableaus of 16 states UTs were selected for the January 26 parade. देखिए 16 states हैं इस बार oblique UTs. Following an established process, but the opposition ruled Delhi, Punjab, Karnataka and West Bengal were not qualified and they cried foul. ये देखिए, तो हर साल 15 या 16 tableaus ही सेलेक्ट होते हैं और हमेशा हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी erupt करती है। By default, opposition ruled states का ये criticism है that because they are ruled by a other party, the center doesn't selects these tableaus for showcasing on Republic Day. तो अब ये प्लान रहेगा, ये प्लान 28 स्टेट्स ने गो अहेड दे दिया है। ये देखिए, तो अब यही प्लान आगे बढ़ेगा। द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑलरेडी हैज एन एलैबोरेट स्क्रीनिंग मैकेनिज्म फॉर पार्टिसिपेंट्स इन द परेड। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैड इंपैनल्ड 30 एजेंसीज फॉर डिजाइन एंड फैब्रिकेशन ऑफ टैबलॉज थ्रू ओपन सिलेक्शन प्रोसेस एंड स्टेट्स यूटीज वर एडवाइज टू एंगेज दीज एजेंसीज। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये देखिए, फाइनल डे शोकेसिंग के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, स्क्रीनिंग में आपका पॉजिटिव आ गया कि यस आपका टैबलॉज वहां दिखाया जाएगा, तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से मिल लीजिए, दैट्स इट। तो आप बताइए क्या ये टॉपिक क्लियर है स्टूडेंट्स, मुझे बता दीजिए। प्रीलिम्स, दिस मींस कॉन्फ्रंटेशन, द टॉपिक कैन कम अप, ये जो मेंस का 2021 का क्वेश्चन है। एंड इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए क्या आ सकता है, कौन चेक करता है, एंड यू कैन ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट इन मेंस आंसर राइटिंग, यस दिस वन, फेडरलिज्म अंडर स्कैनर, दैट्स इट। And it can come up which, what is the features of tableau selection and which is the ministry involved in all this. Ye dekhiye, is it clear? Let's proceed ahead students. Second topic, parliament pe article aaya hai The Hindu mein. Aayi dekhte hain, article kya keh raha hai. The Indian parliament a promise spurned, ye dekhiye. पार्लियामेंट के इतिहास से लेकर पार्लियामेंट्री सिस्टम पर पूरा फोकस इस आर्टिकल का, आइए देखते हैं। द ऑथर मिस्टर वैलेरियन रोड्रिग्यूज हैज को ऑथर्ड विद मिस्टर बी एल शंकर द बुक द इंडियन पार्लियामेंट अ डेमोक्रेसी एट वर्क। ये देखिए, और आइए देखा जाए डिक्लाइन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, ये बता रहे हैं। ही डिवाइड्स द होल आर्टिकल इंटू टू पार्ट्स, फर्स्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड सेकेंड द प्रेजेंट। ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम चूज किया गया और कौन कौन से सिस्टम्स थे डिस्कशन में, ये देखेंगे, और प्रेजेंट में क्या क्या चैलेंजेस इंडियन पार्लियामेंट फेस कर रहा है। मैंने इसमें अपनी तरफ से दो चीजें अटैच किया है, क्या क्या चीजें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यस, मेंस एंड प्रीलिम्स बोथ, एंड थर्ड स्टूडेंट्स
एक और भी पॉइंट मैंने अटैच किया, इसके अलावा पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। आइए देखा जाए फिलहाल इस कहानी को। द इंडियन पार्लियामेंट अ प्रॉमिस स्पर्न्ड। द स्टेट ऑफ पार्लियामेंट टुडे मार्क्स अ डिक्लाइन। इन फैक्ट टू मंथ्स बैक अ क्वेश्चन आर्टिकल केम अप इन द हिंदू द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। और यूपीएससी ने क्या इस पर सवाल पूछा हुआ है पहले, ये देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर का मेंस का, ये देखिए। इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस रोल एज द नेशनल लॉ मेकर इज ऑन अ डिक्लाइन व्हिच इन टर्न हैज एडवर्सली इंपैक्टेड द क्वालिटी ऑफ डिबेट्स एंड देयर आउटकम्स डिस्कस। 2019 का सवाल देखिए स्टूडेंट्स। पार्लियामेंट, संसद, आइए देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, ये देखिए। दिस लेट्स सी द होल टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इंडिया इज हैविंग अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। यस, पार्लियामेंट का फंक्शन क्या होता है ये यहां दिया हुआ फ्लो चार्ट में, ये हटाकर आप देखिए। फॉर्मिंग गवर्नमेंट, प्रोवाइडिंग मेंबर्स ऑफ कैबिनेट, मेकिंग लॉज या लेजिस्लेशन, हाईएस्ट डेलिबरेटिव बॉडी, डिस्कसेस इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्ट्स वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ऑल्सो जुडिशियल पावर्स, इट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट, इसे जुडिशियल पावर कहते हैं। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जुडिशियल पावर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, ये देखिए। सेकेंड जुडिशियल पावर, इट पनिशेस द मेंबर्स एंड आउटसाइडर्स फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेस, ये देखिए। ऑल्सो कंट्रोल सुपरवाइजेस द कैबिनेट एंड एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द पार्लियामेंट। Also, financial control, organ of information regarding government policies and actions, parliament. आइए देखा जाए। India follows this parliamentary system from the Westminster model. Already a question has come in the mains. The Westminster system gets its name from the area in central London where the parliament of UK is located. Westminster जब भी आएगा, अब समझ लीजिए, UK से comparisons आ रहे हैं। The Westminster system is a democratic system and is used in countries such as Britain, Canada, New Zealand, as well as in many parts of Pacific, Asia and Africa, including India. Of course, India is having some features from other constitutions as well, but primarily India borrows maximum features from the Westminster model, including parliamentary system. The federal and the state levels of government which operate in Australia are also based on Westminster system. ये देखिए Westminster system के features क्या हैं? देखिए चार features हैं, note कर लीजिए students. Separation of powers, पहला point, into three separate branches, judiciary, legislature, executive. Second, ये देखिए legislature क्या होता है, executive क्या होता है, judiciary क्या होता है, यही तो आपने पढ़ा हुआ separation of powers doctrine, Westminster system से आता है, note कर लीजिएगा. गुड मॉर्निंग ऑल द न्यू कमर्स, इज इट क्लियर? तो अब ये वेस्टमिंस्टर सिस्टम मैंने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि यहां पर इस आर्टिकल में पुटअप किया गया है वेस्टमिंस्टर सिस्टम, ये देखिए इंडिया का पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम यहीं से आया है, ये देखिए। और क्या यूपीएससी ने पहले सवाल पूछा हुआ यहां से? यस स्टूडेंट्स, ये देखिए यूपीएससी इज ऑलरेडी आस्क्ड अ क्वेश्चन इन मेंस 2022, ये देखिए 21 या 22 का मेन सब क्वेश्चन है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जीएस पेपर का है स्टूडेंट्स, जीएस पेपर 2, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इट्स पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2, द जुडिशियल सिस्टम्स इन इंडिया एंड यूके सीम टू बी कन्वर्जिंग एज वेल एज डाइवर्जिंग इन रीसेंट टाइम्स, सो दे आर आस्किंग कंपैरिजंस, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियाज मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नेंस एंड यूकेज वेस्टमिंस्टर्स मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नेंस, इट कैन कम अप। तो ये सवाल ऐसे आ रहे हैं स्टूडेंट्स, यस। अब आइए देखते हैं इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ, मैंने बता दिया जितना मेरी तरफ से एडिशन था, आइए देखा जाए। द आर्टिकल डिस्कसेस दैट जब इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट्स हो रहे थे, डिस्कशन हो रहे थे, तो दो चार प्रकार के गवर्नेंस मॉडल्स प्रपोज किए गए थे। पहला प्रेसिडेंशियल सिस्टम, बोला गया ये यूएस का मॉडल है, स्टेबल रहेगा सब कुछ, चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए अलग से इलेक्शन करवाया जाए जैसे कि यूएस में होता है, और जैसे यूएस में लेजिस्लेचर के इलेक्शन अलग से होते हैं उसका अलग से करवाया जाए। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, सिंगल वोट, ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम रहता है यूएस में, इसे रिजेक्ट किया गया बिकॉज बोला गया कि मच ऑफ द कंट्री इज नॉट हैविंग
even a know-how about the voting patterns और वोट करना जरूरी है, लिटरेसी लेवल्स भी नहीं है, ये सही नहीं रहेगा चीफ एग्जीक्यूटिव को लेकर। सेकंड, पार्लियामेंट्री सिस्टम पर डिबेट किया गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम वही है जो आज हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इसी को चूज किया गया स्टूडेंट्स। ये देखिए, बोला गया कि एक इंसान तो चाहिए ऊपर में हमें गवर्न करने के लिए, यस, एक प्राइम मिनिस्टर जो रेस्पॉन्सिबल रहे टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जीक्यूटिव मैं हूं अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आई शुड बी अकाउंटेबल टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। थर्ड, इंडियन ऑर्थोडॉक्सी अप्रोच ये डिस्कस किया गया। व्हाट इज इंडियन ऑर्थोडॉक्सी? बोला गया इंडिया खुद का मॉडल डेवलप करे। तो जो लोग इसके प्रोपोनेंट्स थे उनसे बोला गया, यू डिस्कस, यू गिव द फीचर्स, विल डिस्कस। बोला गया नहीं, फीचर्स तो नहीं पता, ऐसे ही बोल दिए थे। तो इंडियन ऑर्थोडॉक्सी वॉज रिजेक्टेड। फोर्थ वॉज स्वराजिस्ट, गांधियन फिलोसफी, गांधियन फॉलोअर्स, दे टोल्ड लोकल गवर्नेंस, ग्राम सभा, पंचायत, उसी समय से ये फोकस था। कहा गया फिर भी ऊपर में एक इंसान तो चाहिए हमें गवर्न करने के लिए, इसलिए इसे भी रिजेक्ट किया गया। एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम वॉज प्रमोटेड। क्या ये दिया गया है ये इस आर्टिकल में? यस, ये देखिए दिया हुआ है। देर आर एटलीस्ट फोर स्टैंसेज अराउंड विच डिबेट्स रेज्ड, प्रेसिडेंशियल, इंडियन ऑर्थोडॉक्सी, स्वराजिस्ट एंड पार्लियामेंट्री। ये देखिए, सबके अपने अपने फीचर्स हैं। यूपीएससी में क्या सवाल आ सकता है यहां से? यस, प्रेसिडेंशियल सिस्टम वर्सेस वेस्टमिंस्टर सिस्टम मॉडल। आपका आज होमवर्क है स्टूडेंट्स, दोनों के फीचर्स डिस्कस करने हैं। एक कॉलम, दो कॉलम बना लीजिएगा और डिस्कस कीजिएगा। यस यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग न्यू कमर्स, इज इट क्लियर? सो इंडिया फॉलोज अ पार्लियामेंट्री मॉडल। ये देखिए, पार्लियामेंट्री मॉडल में क्यों, क्या कहा गया? दैट डिसिसिव अथॉरिटी, देखिए फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री मॉडल, डिसिसिव अथॉरिटी टू अ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, ये देखिए मैं यहां लिख रहा हूं इसे, आप ही लिखिए, हु इज अकाउंटेबल टुवर्ड्स द पार्लियामेंट, अकाउंटेबल, जवाबदेही टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। ये देखिए, बोला गया ठीक है भाई, ये तो मान लिए अकाउंटेबल, क्या यही सबसे बड़ा फीचर है? यस, इट मेक्स अ बेटर स्पेस फॉर माइनॉरिटीज, इट मेक्स अ बेटर केस फॉर अपोजिशन। यस, इसके फायदे क्या क्या हैं? देखिए इस पूरे मॉडल के फायदे क्या हैं? नीड ऑफ अपोजिशन पार्टी, यस, अपोजिशन कम्स अप, बेटर डिबेट्स, ये देखिए अपोजिशन को बेहतर जगह, डिबेट्स भी रहते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, ऑटोक्रेसी इज अवॉइडेड, ऑटोक्रेसी। ये देखिए, ऑटोक्रेसी वर्ड दो बार आने वाला है, अभी बांग्लादेश के केस में भी हम लोग देखेंगे। इसीलिए इस अप्रोच को अपनाया गया, बोला गया सबको अपनी आवाज एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव हर माइनॉरिटी कम्युनिटी का होगा, इट इज द बेस्ट वन आउट हियर। ये देखिए, ऑल्सो इट हैज बेटर कैपेसिटी टू रीच आउट टू एथनिक एंड कल्चरल डिफरेंसेस। ये देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम, एंड दिस इज बेटर ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आज की तारीख में प्रेजेंट डे, प्रेजेंट स्टेट प्रॉब्लम्स आ गई हैं। पहला पॉइंट, अपोजिशन का रोल डिक्रीज कर गया है। एग्री कर रहे हैं? अपोजिशन रोल हैज डिक्रीज्ड। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स, ऑलवेज कंट्रोवर्सी ओवर, कंट्रोवर्सी अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अमंगस्ट द एमपीज। एग्री कर रहे हैं? मुझे बताइए, ये आज की तारीख में हो रहा है। थर्ड पॉइंट, सस्पेंशन ऑफ एमपीज, कॉमन हो गया है सस्पेंशन ऑफ एमपीज। एंड फोर्थ पॉइंट, ये देखिए स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हो गया। ये देखिए, इट क्लियरली शोज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो यही ये ऑथर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस दीज फोर प्रॉब्लम्स विच द प्रेजेंट डे पार्लियामेंट इज सीइंग। Write it down. Do you agree with the author's concept? Tell me, students. Role of opposition decreased, controversy amongst the MPs, suspension of MPs, security breach. Record set किए गए suspension of MPs में इस winter session में. Security breach भी हो गया. क्या नहीं हो गया इस winter session में? Yes. And suspension of almost the entire opposition from both the houses can hardly meet this test. ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी ब्रीच पर अभी तक आंसर्स नहीं आए हैं, आंसर्स देने जरूरी हैं, क्यों हुआ था। एंड दिस इज डिमांडेड, यस, इट्स कंस्पिकुअस बाय द एब्सेंस, आंसर नहीं आया है इसका। आंसर जिसको देना है दे,
रूलिंग पार्टी दे, ऑपोजिशन दे, आंसर दिया जाना चाहिए कि क्यों हुआ सिक्योरिटी ब्रीच। एग्रीड? लेट मी नो स्टूडेंट्स। यही पूरा पार्लियामेंट का डिस्कशन। फिलहाल प्रीलिम्स के सवाल देख लिए जाए, क्या यहां से क्वेश्चंस आए हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यूपीएससी फ्रॉम द टॉपिक व्हाट इज द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट 2018 प्रीलिम्स। देखिए फीचर्स देख लीजिए। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पार्लियामेंट बट कैनॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ द फिक्स्ड टर्म। बताइए मुझे इसका आंसर फटाफट बताइए स्टूडेंट्स। इज द आंसर बी? टेल मी। देखिए दिस वन सेकेंड क्वेश्चन 2017 यूपीएससी। द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, हैव अ लुक। मेन एडवांटेज? यस मेन एडवांटेज। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली? रॉन्ग। ये देखिए एडवांटेज पूछा है। प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी? रॉन्ग। एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर? राइट। सी ऑप्शन। ये देखिए क्लियर, हर जगह वही चीज, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी। थर्ड टॉपिक, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर दैट ऑफ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस 2015 प्रीलिम्स क्वेश्चन। ये देखिए सेम टॉपिक रिपीटेड। देखिए लास्ट डी ऑप्शन। देखिए हर जगह वही वर्ड आ रहा है। ये देखिए हर जगह वही शब्द। हैव अ लुक। रेस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल, यही पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इलेक्शंस कैसे भी हो, जो भी हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी इज द की वर्ड आउट हियर ऑफ द एग्जीक्यूटिव टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। दैट्स इट। उसके बाद मेंस के क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है। देखिए मेंस के क्वेश्चन में देखिए, इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस रोल एज अ नेशनल लॉ मेकर इज ऑन डिक्लाइन व्हिच इन टर्न हैज इंपैक्टेड द क्वालिटी ऑफ डिबेट्स एंड देयर आउटकम्स, डिस्कस मेंस क्वेश्चन। ये देखिए एमपीज का रोल, और इसके बाद फार्म बिल्स को भी लेकर कॉन्ट्रोवर्सी अरप्ट किया था, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट डे देखिए, इंडियन पार्टी सिस्टम इज पासिंग थ्रू अ फेज ऑफ ट्रांजिशन विच लुक्स टू बी फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस, डिस्कस। ये देखिए यही सारे क्वेश्चन है। क्या ये क्लियर है मुझे बता दीजिए? क्या हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से आगे बढ़ जाएं? मुझे बता दीजिए स्टूडेंट्स, जिससे कि क्या ये टॉपिक क्लियर हो गया आप लोगों को? पार्लियामेंट का ये टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट। एंड और एक यहां से प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हम लोग मिस कर गए थे, नोट कर लीजिएगा। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी पॉलिटिकल पार्टी वर्ड मेंशन नहीं था टिल 10th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड। द टर्म पॉलिटिकल पार्टी डिड नॉट फाइंड अ मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टिल द इनएक्टमेंट ऑफ 10th शेड्यूल। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टी वर्ड 10th शेड्यूल के पहले मेंशन ही नहीं था। 10th शेड्यूल डील्स विद व्हाट? टेल मी। वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से आगे, इंडियन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। मालदीव्स के साथ में आया है फिर से टॉपिक स्टूडेंट्स आज, एक्सप्लेन पेज द हिंदू। बांग्लादेश के साथ आया है फिर से आर्टिकल। मालदीव्स के साथ में आया है कि क्यों अलग होना दिक्कत है मालदीव्स का, और बांग्लादेश के साथ आया है कि क्या इंडिया को चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है विद द फोर्थ सक्सेसिव विक्ट्री ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। लेट्स सी स्टूडेंट्स। साथ में इंटरनेशनल हैपनिंग्स में ये देखिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहां पर जीनोसाइड कन्वेंशन के तहत, अंडर जीनोसाइड कन्वेंशन, साउथ अफ्रीका ने घसीट लिया है इसराइल को, यहां पर केस किया है उसके ऊपर। हम देखने वाले हैं ICJ का इतिहास यहां पर। तो चलिए, और इक्वेडर में भी कुछ हुआ है, वी आर गोइंग टू सी ग्लोबल हैपनिंग्स आउट हियर इन इक्वेडर। फर्स्ट, इक्वेडर सेज 178 प्रिजन गार्ड्स स्टाफ मेंबर्स हेल्ड होस्टेज बाय गैंग्स। ड्रग गैंग्स हैं स्टूडेंट्स, ये ड्रग कार्टल्स हैं जिनका पूरा ऑपरेशन कोकेन नॉर्थ अमेरिका में सप्लाई करने पर चलता है। इतने बढ़ गए ये ड्रग ट्रैफिकिंग में कि ये गैंगस्टर्स ने 178 प्रिजन गार्ड्स को ही होल्ड कर लिया है कैप्टिव। ये देखिए
क्या बात है, कितनी कंडीशन खराब है। इक्वेडर कहां पर है देख लीजिए, इक्वेडर इज अ लैटिन अमेरिकन कंट्री, अ पार्ट ऑफ लैटिन अमेरिका विच स्टार्ट्स फ्रॉम मैक्सिको गोज टिल चिली, ये देखिए, एंड लोकेशन इज इन साउथ अमेरिका। इक्वेटर हैज अ बाउंड्री विद पेरू एंड कोलंबिया, ये देखिए। इक्वेडर के आसपास यहां पर गैलापागोस आइलैंड्स भी हैं जहां पर चार्ल्स डार्विन गए थे, ये देखिए, डार्विन्स थ्योरी, डार्विन्स फिंचेस, याद है कुछ, यहीं पर वो सो कॉल्ड कंट्री भी कंट्री एस्टैब्लिश किया गया। कौन सा कंट्री है कंट्रोवर्शियल, मुझे बताइए। यूएन में मेंबरशिप के लिए गया था कोई इंडियन, बाबा जी चले गए हैं वहां पर और कंट्री एस्टैब्लिश करके यूएन में भेजा गया था डेलीगेशन, नहीं मुझे बताइए। तो कैलाश कंट्री कुछ याद कर लीजिए, डिस्कशन हुआ था कंट्री उसका, कहते हैं कि उसका आइलैंड यहीं पर आसपास कहीं लोकेटेड है। इक्वेडर का डिटेल्स देखा जाए, देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेडर इज फॉलिंग इन द एंडीज माउंटेन्स बेल्ट, कैपिटल इज क्विटो, इक्वेटर इज पासिंग थ्रू इट, नोटेड डाउन। ये देखिए, एक फेमस रिवर है जो कट अक्रॉस करती है इक्वेडर को, इट इज एस्मेराल्डास रिवर, ये देखिए, नोट कर लीजिएगा, यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है, शॉर्ट में आपको देखना पड़ेगा ये, एंडीज माउंटेन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हैज दिस रीजन बीन इन द न्यूज, यस इट हैज बीन इन द न्यूज फॉर द पास्ट 2-3 years, ऑल बिकॉज ऑफ द मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशन के रेमिनेंट्स यहाँ पाए गए हैं। यहाँ एक जगह है गुयाक्विल, ये भी इंपॉर्टेंट जगह है, देखिए, कुल मिलाकर क्विटो एंड गुयाक्विल आर इंपॉर्टेंट प्लेसेस, नोटेड डाउन स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ा जाए, इक्वेटर से आगे, इक्वेटर में क्या होता है सबसे ज्यादा कल्टिवेट, कोकेन, ये देखिए, कोका प्लांट, कोकेन निकाला जाता है और भेजा जाता है नॉर्थ अमेरिका की तरफ। आइए आगे बढ़ते हैं, सेकंड, इजरायली स्टार्टअप प्लान्स टू कनेक्ट दुबई हाइफा पोर्ट्स वाया लैंड टू बाईपास रेड सी। रेड सी में चल रहा है प्रॉब्लम, यह है इसराइल का हाइफा सी पोर्ट, इसराइल का थोड़ा सा मैप देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसराइल में हाइफा सी पोर्ट, ये देखिए, नॉर्थ इसराइल लोकेटेड नियर लेबनान, मैनेज्ड बाय अदानी ग्रुप, ये देखिए, और यहां से ये लैंड ब्रिज बनाने की बात चल रही है, देखिए यहां पर टुवर्ड्स दुबई, यस ये देखिए लैंड ब्रिज, यस रोडवेज स्टार्टअप, इसराइल का कह रहा है कि अब सी से आने की जरूरत नहीं है, रोड से ही आ जाएंगे, ये सी पायरेट्स हाउदीज ने तंग करके रख दिया है, ये देखिए, कहा गया ऐसे ही रोड से आ जाइएगा, कैसे रोड बना देंगे, कार्गो यहां से यहां तक लाएंगे और यहां से सी से जाएगा, लगे अच्छा। यहां पर यूएई के पास में देखिए, ये पर्शियन गल्फ बेल्ट, ये देखिए, खाड़ी देश है यूएई, कहा गया ओके, इज इट फीजिबल, बोला गया फीजिबल पूरा है, अदानी रन हाइफा पोर्ट टू दुबई, ये देखिए रोड मूवमेंट, बट विल इट बी चैलेंजिंग फॉर द एनवायरनमेंट, टेल मी स्टूडेंट्स, तुरंत फटाफट चैट बॉक्स में, आई वॉन्ट इट असैप नाउ, लाइव स्ट्रीमिंग में वॉच कर रहे हैं आप लोग, अभी लिखिए, अगर रोड ट्रांसपोर्ट बिल्डअप किया गया तो पर्यावरण के लिए क्या क्या चैलेंजेस आएंगे मुझे बता दीजिए, और जियो पोलिटिकल कंफ्लिक्ट भी आ सकता है क्या कल को बता दीजिए मुझे, क्योंकि सी में, सी इज अ ग्लोबल कॉमन्स, सबका हिस्सा होता है समुद्र में, बट अगर सऊदी अरब से होकर आएगा ये पूरा लैंड ब्रिज रूट, ये देखिए, तो सऊदी अरब के MBS मोहम्मद बिन सलमान और UAE के मोहम्मद बिन जायद, ये देखिए दोनों के बीच में दुश्मनी चल रही है, ये देखिए, इसमें कहीं रोड खत्म ही ना हो जाए वहीं पर, ये देखिए, सो राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स एंड दोज विल वॉच इट आफ्टरवर्ड्स प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स स्टूडेंट्स, सम आंसर्स नीड टू बी रिटन इन द कमेंट बॉक्स, सम आंसर्स ऑन द आंसर राइटिंग ग्रुप, सो दिस इज इट, नेक्स्ट टॉपिक, हिंदू एक्सप्लेन पेज, स्ट्रेन टाइज इंडिया मालदीव रिलेशन, ये देखिए स्ट्रेन टाइज, तो दो जगह देखिए ऐसे, देखिए स्ट्रेन, दिक्कत की बात, चिंता की बात, ये इंसान देखिए, इस इंसान में ये इंसान जज करने की कोशिश कर रहा है, ये इंसान की आंखें बता रही हैं, द पर्सन इज जजिंग द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये देखिए, दिस पर्सन इज नोन एज मोहम्मद मुइजू द मालदीवियन प्रेजेंट प्रेसिडेंट, लेट्स सी, तो
कहानी अब तक, मैं बता दूं कहानी अब तक क्या है, अभी रीसेंट और पहले की कहानी। ये इंडियन एक्सप्रेस का भी उठाया मैंने आर्टिकल, आज से एक साल पहले का और आज से छः महीने पहले का, पूरा इंडिया मालदीव रिलेशन डिस्कस हो जाएगा आज शॉर्ट में। पहले, पहली कहानी, इस पूरे टॉपिक को डिवाइड किया जाए, पहले प्रेजेंट हैपनिंग्स, प्रेजेंट हैपनिंग्स, नेक्स्ट 2023 हैपनिंग्स, एंड नेक्स्ट 2019 टिल 23 हैपनिंग्स, और उसके पहले का अलग से। आइए देखते हैं कहानी अब तक। रिसेंटली क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही विजिटेड लक्षद्वीप, इनॉग्रेटेड द सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल टू प्रोवाइडिंग द वाईफाई सर्विसेज इन लक्षद्वीप, एंड पुट अप हिज फोटोग्राफ इन द ऑन द ट्विटर प्लेटफॉर्म, एंड सेड, उनके नीचे कमेंट था दैट लक्षद्वीप शुड बी ऑन योर लिस्ट इफ यू आर ट्राइंग टू विजिट, अगर आप टूरिस्ट हैं तो। लक्षद्वीप के इस सेंटेंस पर तुरंत मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर्स को लगा कि मालदीव्स को एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन डिग्रेड किया जा रहा है। मालदीव्स की 28% GDP आती है फ्रॉम टूरिज्म, ये देखिए। तो मालदीव्स के मिनिस्टर्स ने तुरंत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ में स्टेटमेंट्स जारी करने शुरू कर दिए, कहां पर, ट्विटर प्लेटफॉर्म पर, अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन अ कंट्रोवर्सी। तुरंत तुरंत मालदीव्स ने एक्शन भी लिया, लेकिन उसी तारीख को मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजु चाइना चले गए और चाइना से कहा कि आप यहां टूरिस्ट लेकर आइए, क्योंकि इंडिया के सेलिब्रिटीज ने कहा बॉयकॉट मालदीव्स, गो टू लक्षद्वीप। यही था अब अभी जो अभी चल रहा है लास्ट 5 to 7 days में। लेकिन क्या इसके बीज, इस एनिमिटी के या इसके कंट्रोवर्सी के, क्या पहले से बोए गए हैं? यस, फॉर द फर्स्ट टाइम लेट मी टेल यू, इन द पास्ट मालदीव्स, इंडिया इज ऑलरेडी ऑलवेज हेल्प मालदीव्स। कब कब हेल्प किया इंडिया ने, 3 instances तो मैं आपको शो कर रहा हूं यहां पर स्टूडेंट्स। वैसे मालदीव से कोरल रीफ अटॉल है, ये देखिए कोरल आइलैंड्स हैं कहां पर, इंडियन ओशन में, ये देखिए। माले इसका कैपिटल है, ये देखिए, ये इस्लामिक नेशन है स्टूडेंट्स, इस्लामिक नेशन, यस। एंड ट्राइबल ग्रुप था यहां पहले से, देखिए इक्वेटर कट्स अक्रॉस मालदीव, ये देखिए, एंड इट इज जस्ट वेरी क्लोज 17 nautical miles टू मिनिकॉय आइलैंड। मिनिकॉय आइलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप ग्रुप, इज इट क्लियर, लेट मी नो, गॉट इट, मुझे बताइए। तो मालदीव्स में इंडिया ने कब कब हेल्प किया, 1986 ऑपरेशन कैक्टस, यस वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन कैक्टस, when LTTE militants were on the verge of capturing power in Maldives, a coup was going to happen, India sent its navy, और वहां पर stage जो coup होने वाला था उसको cut across किया गया, and operation cactus नाम दिया India ने इसे। second 2015, उस समय इंडिया के, इंडिया से जो पॉलिटिकल पार्टी, मालदीव से जो पॉलिटिकल पार्टी आज है वही उस समय रूल कर रही थी, इट वॉज प्रो चाइनीज। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उस समय वहां पर ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस एरप्ट किया, पीने का पानी नहीं था उपलब्ध, इंडिया ने तुरंत आरओ प्लांट, जैसे ही खराब हुआ इंडिया हेल्प, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये देखिए बहुत फेमस हुआ था इंडिया का ये स्टांस। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स, मिशन सागर, ये देखिए सागर क्या है, देख लीजिए, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इन इंडियन ओशन बेल्ट, यू कैन सी इट हियर, इंडिया ने हेल्प किया कौन कौन से देशों को, ये देखिए मालदीव्स, मॉरिशियस, मेडागास्कर, कोमोरोस एंड शेचल्स, ये देखिए। साथ में इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया मालदीव्स के साथ में हेल्प करने के लिए। उधर चाइना मेड इन रोड्स इनटू मालदीव्स फ्रॉम 2015, एंड फ्रॉम हियर द कंट्रोवर्सी बिगैन। चाइना ने मालदीव्स को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनाया 2015, एंड नाउ कंट्रोवर्सी वाज राइजिंग अप। इंडिया डिडंट लाइक मालदीव्स गोइंग इन द BRI इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ जी जिनपिंग, चाइनीज प्रेसिडेंट, जिसमें जी जिनपिंग ने कहा था आप हमें जमीन दो हम वहां सी पोर्ट बनाएंगे, दैट वॉज इट। उसके बाद 2018 में बदलती है सरकार वहां पर, कहां पर, मालदीव्स में,
और फिर से अप्रोच इंडियन गवर्नमेंट आती है इब्राहिम सोली की, और उसके बाद इंडिया जाकर हेल्प करता है मालदीव्स को फिर से। इस बार कैसा हेल्प आइए देखा जाए स्टूडेंट्स। देखिए, मालदीव्स इज अ की मैरिटाइम नेबर ऑफ इंडिया इन इंडियन ओशन रीजन, लोकेटेड 300 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम इंडियन मेनलैंड एंड 70 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम मिनिकॉय आइलैंड इन लक्षद्वीप। आपका अभी टास्क है, 1 नॉटिकल माइल कितना होता है, फटाफट लिखिए स्टूडेंट्स। मालदीव्स India's ties have been cordial over the years. There was a noticeable tilt towards China from 2013, जब Progressive Party of Maldives के लीडर अब्दुल्ला यमीन वहां बने प्रेसिडेंट। ये देखिए, और उसके बाद चाइना के BRI में ये आ गया मालदीव से, देखिए लिखा हुआ साफ साफ। और उसके बाद जब ऑपोजिशन पार्टी अब्दुल्ला यमीन की प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव हटी और इब्राहिम सोली की पार्टी आई सामने, उसके बाद इंडिया के साथ इसकी दोस्ती और बढ़ने लगी। ये देखिए, यही 4 साल अच्छे रहे इंडिया के लिए, और इस 4 साल में इंडिया ने 4 एग्रीमेंट साइन किए। कौन कौन से 4 एग्रीमेंट थे? पहला, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, ये देखिए, ऑफ इंडियन ओशन। हाइड्रोग्राफिक सर्वे, यस, समुद्र का सर्वे मालदीव्स के आसपास, जो अब चाइना करेगा। ये देखिए, सेकेंड, इंडिया ने कोलंबो सिक्योरिटी कंक्लेव, ये देखिए, कोलंबो सिक्योरिटी कंक्लेव एक ग्रुप बनाया जिसमें इंडिया, मालदीव्स के अलावा श्रीलंका एंड मॉरिशस भी प्रेजेंट है। नोट कर लीजिएगा, मॉरिशस 2011 में बना ये ग्रुप, देखिए 2011 में बना था स्टूडेंट्स, इट फाउंड सपोर्ट आफ्टर 2019। आप समझ सकते हैं क्यों, अब्दुल्ला यमीन जब तक मालदीव्स का प्रेसिडेंट था तब तक वो कोलंबो सिक्योरिटी कंक्लेव को उसने प्रमोट नहीं किया, दैट वॉज इट। इट्स अ सिक्योरिटी कंक्लेव, सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन में इंश्योर करने के लिए। यहां ये देखिए, थर्ड स्टेप, इंडिया ने कहा मैं आपके लिए कुछ और भी बनाऊंगा। 2021 में कोस्ट गार्ड हार्बर, उथुरु थिला फालहू डील, ये देखिए, ये एक आइलैंड का नाम है, उथुरु थिला फालहू डील, नोट इट डाउन। ये देखिए यहां लिखा हुआ है, व्हाई द रीसेंट मालदीव्स कोस्ट गार्ड हार्बर प्रोजेक्ट इज येट अनदर माइलस्टोन इन इंडिया मालदीव्स टाइज, 1 year बैक दिस न्यूज केम अप इन इंडियन एक्सप्रेस। ये देखिए, उथुरु थिला फालहू प्रोजेक्ट, ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एकता हार्बर नाम पड़ा, ये देखिए यहां पर। और 2021 और 22 में ये प्रोजेक्ट प्लान किया गया। कोस्ट गार्ड ऑफ मालदीव्स इज द आर्म्ड मैरिटाइम फोर्स ऑफ मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स, ये देखिए, नोट कर लीजिएगा। तो उसको पहली बार एक नेवल स्टेशन मिल रहा था और इंडिया प्रोवाइड कर रहा था। It was not seen in good light by the other people of Maldives. Why? They were seeing it as India's interference in defense perspective of Maldives. इसीलिए इंडिया का खराब हुआ इंप्रेशन मालदीवियन लोगों के बीच में, डिफेंस। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये थर्ड स्टेप था, थर्ड फायदा जो इंडिया पहुंचा रहा था। फोर्थ, इसके अलावा फोर्थ फायदा जो इंडिया ने पहुंचाया, एंड दैट वॉज Giving off Dornier aircraft, ये देखिए, in 2021, Dornier aircraft, yes, ये देखिए, and some helicopters. इंडिया ने कहा आपके डिफेंस के लिए हम प्रोवाइड करें। ये 4 स्टेप्स रिसेंटली हेल्प, क्या क्या, हाइड्रोग्राफिक सर्वे मिनरल्स के लिए, फिशेस के लिए, सेकेंड उथुरु थिला फालहू, थर्ड दिस Dornier aircraft, एंड फोर्थ द कंसेप्ट ऑफ दिस the concept of Coast Guard Harbor, yes, this one is it. Is it clear? Tell me students. इसके बाद India Out campaign शुरू हो गया opposition के द्वारा Maldives में, and it culminated in the defeat of the government led by Ibrahim Soli and the coming up of Mohammad Muizu at present. यही कहानी है students अब तक की, ये देखिए, अब तक की यही कहानी, क्या करना है नहीं समझ में आ रहा है। आप बोलेगा कि इंडिया के लिए सर मालदीव्स क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए मालदीव्स इसलिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक रूट पे पड़ता है। जितने भी जगहों से आप आइएगा, कौन से जगहों से, रेड सी सुना है आपने, मलक्का स्ट्रेट सुना है आपने, मुझे बताइए, एंड केप ऑफ गुड होप सुना है, लेट मी नो द लोकेशंस। इन तीनों जगहों का मीटिंग पॉइंट मालदीव्स है, एंड दिस इज व्हाई मालदीव्स हैज नथिंग एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम ओनली वन थिंग, दैट इज पोजीशन। लोकेशन इज स्ट्रेटेजिक फॉर इंडियन इंटरेस्ट, दैट्स इट, नोट इट डाउन।
क्लियर. यस, कोलंबो सिक्योरिटी कंक्लेव एक इनिशिएटिव था इंडिया का. यस, आई टॉट फोर स्टेप्स इंडिया मालदीव रिलेशंस इन रीसेंट टाइम्स. नाउ डिफेंस पर्सपेक्टिव, जो इंडिया सबको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है सारे कंट्रीज को, इट इज टर्निंग आउट टू बी द मेजर थॉर्न बाई सीन बाई मैनी अपोजिशन पार्टीज इन दोज कंट्रीज. कि डिफेंस में अगर कोई आकर हेल्प करेगा तो शायद उसकी गलत नज़र है उस देश पर, ये वो लोग गेस कर रहे हैं. और इसीलिए इंडिया के खिलाफ में इंडिया आउट कैंपेन शुरू हो गया मालदीव्स में. फिलहाल ये टॉपिक मैंने पढ़ा दिया स्टूडेंट्स. क्या ये क्लैरिटी आ गई? मालदीवियन प्रेसिडेंट टर्म्ड चाइना एज वैल्यूड अलाई एंड इंटीग्रल कोलैबोरेटर. ये देखिए, अभी जस्ट 5 डे विजिट पर हैं, बहुत दोस्ती आगे बढ़ रही है, जिगरी दोस्ती है. एक साथ जाकर खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं हंसते हुए. लग रहा है कि इंडिया दुश्मन है उन लोगों का. आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक. ये देखिए टाइमलाइन देखिए दिया हुआ है, नवंबर 23, दिसंबर 23, क्या क्या हुआ देखिए. जिस ये वाटर सर्वे पैक देखिए आपने, जो मैंने बताया हाइड्रोग्राफिक सर्वे, ये देखिए, ये आया था टॉपिक 16 दिसंबर. सी द करंट अफेयर्स सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस टॉपिक केम अप 16 दिसंबर 2023. आई टॉट अप दिस टॉपिक स्टूडेंट्स. नेक्स्ट टॉपिक इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस एंड इंडियाज ऑप्शंस. ये आज ओपिनियन कमेंट पेज पर आया है, आज ये आर्टिकल आया है डिटेल में, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस. लेट्स सी स्टूडेंट्स, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड का सेकंड टॉपिक. तो चाइना, रशिया और इंडिया ने कॉन्ग्रेचुलेट किया किसे? प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को, रिटर्न टू पावर, फोर्थ इलेक्शन सक्सेसिव. शेख हसीना खूब मुस्कुराते हुए, और इंडिया, रशिया और चाइना उसको सपोर्ट करते हुए. रशिया और चाइना फंक्शनल डेमोक्रेसी नहीं, लेकिन इंडिया फंक्शनल डेमोक्रेसी है. यूएस इज अलेजिंग दैट डबल स्टैंडर्ड्स हुए हैं यहां पर, कहां पर? बांग्लादेश के इलेक्शंस में, क्योंकि जो सबसे अपोजिशन, बड़ी अपोजिशन है, उसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही वो नहीं कर रही है. दैट इज खालिदा जियाज, बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी. सो इट्स फिफ्थ टाइम रिकॉर्ड, ये देखिए, फोर्थ इन अ रो. इंडिया स्टैंड्स अश्योर्ड ऑफ कंटिन्यूटी. फायदा इंडिया के लिए, कंटिन्यूटी रहेगी, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं. चैलेंजेस क्या हैं? आइए देखा जाए. पहला चैलेंज द एलिजेशंस ऑफ, ये देखिए, एलिजेशंस ऑफ ऑटोक्रेटिक रेजिम ऑफ शेख हसीना, ऑटोक्रेटिक रेजिम, ये देखिए. सेकेंड चैलेंज, सेक्यूलर क्रेडेंशियल्स हट रहे हैं उसके पार्टी से. इन शॉर्ट, जो प्रो इंडियन अप्रोच लेकर लोग थे वहां पर अवामी लीग शेख हसीना की पार्टी में, दे हैव गॉन अवे, एंड नाउ हार्ड लाइनर इस्लामिक स्टांस इज कमिंग अप इन अवामी लीग. दैट कैन बी अ बिग बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया, इस्लामिक स्टांस ऑफ अवामी लीग, ये देखिए. थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स, 60% ऑफ बांग्लादेश पॉपुलेशन इज बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज, ये देखिए, ये देखिए. एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज रैम्पेंट, बेरोजगारी बहुत चल रही है. एंड वो सब इंडिया को देख रहे हैं कि इंडिया हेल्प कर रहा है शेख हसीना को, अवामी लीग को, अवामी लीग या शेख हसीना पर करप्शन के चार्जेस लगाए गए. करप्शन, ये देखिए, बैंक डिफॉल्ट्स, ये देखिए, मनी लॉन्डरिंग बहुत ज्यादा आया है, मिसमैनेजमेंट, ये देखिए. ऑल्सो ये देखिए, दिस शेख हसीना एडवाइजर सलमान एफ रहमान, ये सलमान एफ रहमान के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, क्योंकि इनकी अपनी अपनी कंपनी है बांग्लादेश एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी लिमिटेड, और ये क्रोनी कैपिटलिज्म के लिए जाने जा रहे हैं. इसका मतलब साफ है कि इस पूरी इकोनॉमी में वो पूरा कैप्चर करके अवामी लीग बैठ गया है इकोनॉमी उस जगह पर, और इसका मतलब है दैट इंडिया इज गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम इन इट्स नेबरहुड इन द कमिंग डेज. बांग्लादेश यूथ इज नॉट विद अवामी लीग एट प्रेजेंट. और इस इलेक्शंस में कुछ पिक्स आए सामने जिसमें देखा गया दैट दिस जबरदस्ती वोटिंग करवाई जा रही थी. कैन इट बी अ चैलेंज? टेल मी स्टूडेंट्स इन द चैट बॉक्स, लेट मी नो. तो यही हुआ, और चैलेंज आने वाले दिनों में इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में रहेगा. यूथ बांग्लादेश का कुछ खुश नहीं है शेख हसीना के स्टांस और रूलिंग के ऊपर. सवाल ये है स्टूडेंट्स कि इंडिया क्या अपना लूज कर रहा है इन्फ्लुएंस नेबरहुड पर,
सवाल यही उठ कर आ रहा है कि इंडिया को चैलेंजेस मिलने वाले, इंडियाज डिलेमा विद बांग्लादेश। सवाल यह है कि इंडिया, जस्ट मिनट, ये देखिए इंडियाज डिलेमा, इंडियाज डिलेमा क्या है स्टूडेंट्स, दैट बांग्लादेश की इस रेजिम को वो सपोर्ट कर रहा है, अगर अपोज करेगा तो तुरंत चाइना इनरोड्स कर लेगा जैसे मालदीव्स में हुआ है। इट कैन बी अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन एक और बड़ी समस्या उभर कर सामने आ गई। उस समस्या को समझने के लिए आइए एक सेंटेंस रीड करते हैं इस आर्टिकल का। कैसा चल रहा है सेशन, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ये देखिए, हैव अ लुक क्या कहा गया, देखिए यहां पर। अब बहुत दिक्कत की बात है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये जो सलमान रहमान हैं, जो जिनकी कंपनी ने पूरा कैप्चर किया हुआ इकोनॉमी बांग्लादेश की, तो एनालिस्ट सी दिस इलेक्शन एज अ फर्म स्टेप टुवर्ड्स अ वन पार्टी पुलिस स्टेट, शेख हसीनाज अवामी लीग। बट शेख हसीनाज एडवाइजर सलमान एफ रहमान सॉट टू जस्टिफाई द एब्सेंस ऑफ अपोजिशन बाय रेफरिंग टू इंडिया। उस पर्सन ने इंडिया को ही रेफर कर दिया एज अ केस स्टडी। द इंडियन पार्लियामेंट डज नॉट हैव एन अपोजिशन लीडर बिकॉज द कांग्रेस फेल्ड टू गेट द मैंडेटरी 10% सीट्स नीडेड टू गेट दैट। शुड बी कॉल इंडिया वन पार्टी स्टेट, मिस्टर रहमान वॉज कोटेड एज सेइंग। यू कैन सी इट हियर। ये सवाल खड़े कर दिया, ये वही बात हो गई कि आप जिसको हेल्प कर रहे हैं ऐसा आप तो इलेक्शंस में गलत कर रहे हैं, तो उस पर्सन ने आप ही पर आरोप लगा दिया। देखिए इनको, देखिए क्या ये भी गलत कर रहे हैं, क्या ये हमको सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज इट। सो इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस चैलेंजेस कमिंग अप ऑन द एनविल, डिस्कस होता रहेगा ये टॉपिक बाद में। ये देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ बांग्लादेश फॉर इंडिया, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया फॉर बांग्लादेश, आई हैव अटैच्ड द टॉपिक स्टूडेंट्स, चैलेंजेस, प्रोजेक्ट्स, रेल लिंक, सब कुछ, न्यू बाउंड्री एग्रीमेंट, आपको ये सब पता है। इज इट क्लियर नाउ, टेल मी स्टूडेंट्स, अभी ठीक है मुझे बता दीजिए। established, ये देखिए वर्ल्ड वॉर टू के बाद 193 मेंबर स्टेट्स, टू ऑब्जर्वर्स, होली सी एंड पैलेस्टीन, SEE है यहां पर, नोट कर लीजिएगा। हेडक्वार्टर्स मैनहैटन आइलैंड न्यूयॉर्क, ये देखिए यूएन में एक सबसे बड़ी, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है साथ में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये देखिए ICJ, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ UN, ICC इज नॉट अ पार्ट ऑफ UN, ये देखिए ICJ इज अ पार्ट ऑफ UN, लेट सी ICJ इसका रोल क्या है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज अ हुआ है इन द हिंदू ऑल्सो, लेट सी ICJ is the principal judicial organ of UN legal disputes between states in accordance with international law. It is not a criminal court, note kar lijiyega. It does not try individuals, note kar lijiyega. Ye dekhiye, ye sara kaam ICC ka hai, international criminal court ka, ye dono kaam, ye dekhiye. Both the courts are in The Hague, Netherlands location. The ICJ cannot automatically decide all cases. इसको ऑटोमेटिक ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ये तभी डिसाइड करता है जब स्टेट्स मेंबर कंट्रीज ब्रिंग द केसेस, एंड साउथ अफ्रीका ले गया है इसराइल को वहां पर घसीट कर, किस चीज के लिए, जीनोसाइड। व्हाट इज जीनोसाइड, देखिए जीनोसाइड इज द सेल पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप और रीजन, जीनोसाइड, यस, एग्जाम्पल द होलोकॉस्ट, नाजीज जर्मनी, याद कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं, जीनोसाइड को लेकर क्या कोई कन्वेंशन है स्टूडेंट्स, यस, जीनोसाइड कन्वेंशन, देखिए लिखा हुआ, जीनोसाइड कन्वेंशन वॉज द फर्स्ट ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन अडॉप्टेड बाय UN जनरल असेंबली ऑन December 9, 1948, नोटेड डाउन, इसी के तहत ले गया, कोई कानून रहेगा, कानून के तहत ही ले जाना है ICJ में, और साउथ अफ्रीका ले गया इसराइल को। एंड दिस जीनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948 डिफाइंस जीनोसाइड एज 5 acts, 5 acts, इनमें से कोई भी सेटिस्फाई होगा जीनोसाइड कहा जाएगा। फर्स्ट, किलिंग मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, सेकंड, कॉजिंग सीरियस बॉडी और मेंटल हार्म, थर्ड, इन्फ्लिक्टिंग कंडीशंस दैट ब्रिंग फिजिकल डिस्ट्रक्शंस, फोर्थ, इंपोजिंग मेजर्स इंटेंडेड टू प्रिवेंट बर्थ्स विद इन अ ग्रुप, ये देखिए, एंड फिफ्थ, फोर्सिबली ट्रांसफरिंग चिल्ड्रन ऑफ द ग्रुप टू अनदर ग्रुप। ये 5 कंडीशन में से कोई एक सेटिस्फाई होगा जीनोसाइड कहा जाएगा। क्या इसराइल किसी भी एक्ट को कर रहा है हमस के अटैक के बाद गाजा पट्टी में, मुझे बताइए आप लोग।
तो कल से केस शुरू हो गया है 11 जनवरी से आईसीजे में, साउथ अफ्रीका एक तरफ से इसराइल, वहाँ कोर्ट में चल रही है सुनवाई। और ये 5 एक्ट में से कोई एक एक्ट अगर इसराइल करेगा तो देखा जाए रिजल्ट्स क्या होते हैं वहाँ पर। इज इसराइल डूइंग एनी ऑफ दीज हार्म्स इन दैट सिनारियो, व्हाट विल आईसीजे ब्रिंग आउट, विल सी। तो साउथ अफ्रीका ने स्टेट किया, इसराइल हैज फेल्ड टू प्रिवेंट जीनोसाइड एंड टू प्रोसिक्यूट द डायरेक्ट एंड पब्लिक इंसाइटमेंट टू जीनोसाइड। ही देखिए यही चीजें हैं, आने वाले समय में डिस्कशन रहेगा, आर्टिकल्स आने वाले हैं कल परसों में इसको लेकर। तो आईसीजे खुद से काम नहीं कर सकता, उसके पास कोर्ट केस आएगा तभी जाकर वो काम करेगा। आइए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। तो फर्स्ट न्यूज, डायरेक्ट टैक्स किटी क्रॉसेस 80% ऑफ 2023-24 टारगेट, थर्ड क्वार्टर में ही क्रॉस कर गया है। इंडियन गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस, डायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल फटाफट चैट बॉक्स में बताइए। ये देखिए लाइव मिंट का न्यूज है और द हिंदू का न्यूज है, दोनों जगह पर आया है। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स मुझे बताइए स्टूडेंट्स, क्या इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, क्या कॉरपोरेशन टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, लेट मी नो। तो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, नागपुर में बेस्ड है, इसी ने ये डेटा दिया है, सीबीडीटी नागपुर। सीबीडीटी इंपॉर्टेंट भी है स्टूडेंट्स, क्योंकि आईआरएस आईटी ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग यहीं पर होती है। ये देखिए नेक्स्ट, मेड इन इंडिया चिप बाय ईयर एंड वैल्यू एडिशन, लाइव मिंट। गुजरात में पहली कंपनी आ रही है साउथ कोरिया की, जो एस्टैब्लिश करेगी प्लांट सेमीकंडक्टर चिप्स। ये देखिए नाम क्या है, सिमटेक, सिमटेक नोट कर लीजिए, प्रीलिम्स इट कैन कम अप इन वेरियस स्टेट एंड एसएससी एग्जामिनेशन। ये देखिए सिमटेक विल सेट अप ऑपरेशंस टू सपोर्ट माइक्रॉन सेमीकंडक्टर प्लांट इन गुजरात। ये देखिए थर्ड, लक्षद्वीप डेवलप कीजिए लेकिन इकोलॉजी प्रोटेक्ट कीजिए, लक्षद्वीप की ये यहाँ लिखा हुआ है, वही सारी चीज़ें लिखी हुई है कि लक्षद्वीप आइलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल परस्पेक्टिव से, डोंट ट्राई टू मेक लक्षद्वीप एज मालदीव्स। लक्षद्वीप सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी इंडिया का, बोथ इन पॉपुलेशन एंड एरिया, नोट कर लीजिएगा, सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश, सबसे छोटा भारत देश का, इन बोथ एरिया क्षेत्रफल एंड जनसंख्या पॉपुलेशन, दैट्स इट। मिनिकॉय इज द सदर्न मोस्ट आइलैंड, ये देखिए, एंड कवरत्ती, अगत्ती, अगत्ती में ही एयर स्ट्रिप है स्टूडेंट्स, एंड बंगारम आइलैंड एंड कदमत आइलैंड, फेमस आइलैंड्स जहां पर टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये देखिए एंड ये भी कोरल आइलैंड्स हैं, कोरल आइलैंड्स, यस। फिलहाल लक्षद्वीप के बारे में मैं बता दूंगा आपको तीन चीजें इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, थ्री थिंग्स आर, फर्स्ट, द फर्स्ट डीसैलिनेशन प्लांट, पानी को डीसैलिनेट करने के लिए डीसैलिनेशन प्लांट ऑफ इंडिया केम अप एट कवरत्ती, नोटेड डाउन। सेकेंड, लक्षद्वीप डजंट हैव रिवर्स, नो रिवर्स, नदी होने के लिए रिलीफ चाहिए, यानी असमतल जमीन नहीं है यहां पर। थर्ड पॉइंट, लक्षद्वीप रिसेंटली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक्ड, ये देखिए। एंड फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स, लक्षद्वीप में अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा गार्बेज आउटपुट निकल रहा है, विच कैन थ्रेटन द इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, उसी को लेकर ये आर्टिकल आया है, थ्रेटन इकोलॉजी। फिफ्थ पॉइंट, लक्षद्वीप का क्या कोई बीच ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त है, मुझे बताइए, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, लेट मी नो स्टूडेंट्स। फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन FEE का इनिशिएटिव, डेनमार्क कोपेनहेगन में बेस्ड, ये देखिए कुछ 75 पैरामीटर्स पर और 39 डायमेंशंस पर यहां पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है बीचेस को, द क्लीनेस्ट बीचेस ऑफ द वर्ल्ड। टोल टैक्स टैक्स नहीं होता है, टोल इज अ ड्यूटी यू आर पेइंग टू टेक अप द सर्विस ऑफ दैट स्ट्रेच ऑफ रोड, दैट्स इट। टोल इज नेवर अ टैक्स, टोल इज अ ड्यूटी, गॉट इट। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आज का, पल्स ऑफ अ नेशन, इज सेल्फ सफिशिएंसी इन दाल पॉसिबल, फिर से वही आर्टिकल बार बार, पीजन पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, उसके अलावा दिस
पीजन पी का इंग्लिश क्या है, अरहर या तूर की दाल, ब्लैक ग्राम उड़द, उसके अलावा दिस लेंटिल्स मसूर, ग्रीन ग्राम मूंग और चना, चना दाल, चना के अंडर में सबसे ज्यादा एरिया है कल्टीवेशन का इंडिया में। इसमें से रबी और खरीफ क्रॉप्स कौन से हैं, चैट बॉक्स में फटाफट लिखिए आप लोग तुरंत। सो पल्सेस को लेकर फिर से वही टॉपिक, क्यों नया पोर्टल ओपन अप किया गया है पल्सेस को लेकर, ये देखिए, एंड पल्सेस आर गोइंग द वे ऑफ ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में भी इंडिया इंपोर्ट करके कंज्यूम करता है, पल्सेस का भी वही रास्ता दिख रहा है कमिंग डेज में। दैट्स इट। तो दिस इज इट स्टूडेंट्स अबाउट टुडे सेशन। पल्सेस का आपने टॉपिक देखा, अलाइनमेंट का, लक्षद्वीप आइलैंड्स को लेकर एक छोटा सा आर्टिकल आया है, पढ़ लीजिएगा, गार्बेज कलेक्शन को लेकर। थर्ड, मेड इन इंडिया चिप बाई सिमटेक कंपनी, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन क्रॉसेस द 80% टारगेट। नेक्स्ट, आईसीजे एंड साउथ अफ्रीका इजराइल टॉपिक। उसके अलावा स्टूडेंट्स, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, जीनोसाइड कन्वेंशन, फाइव कंडीशंस इंपॉर्टेंट। उसके बाद दिस इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस एंड प्रॉब्लम्स विद इंडिया, इंडियाज डिलेमा इन साउथ एशिया ग्रोइंग अप। इसके अलावा दिस इंडिया मालदीव्स प्रॉब्लम्स एंड हाइड्रोग्राफिक सर्वे, कोलंबो सिक्योरिटी कंक्लेव, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, और जो भी रिमेनिंग टॉपिक से पूरा कवर कर दिया गया, साथ में ऑपरेशन एकता हार्बर, ये देखिए, और पहले ऑपरेशन कैक्टस था, मिशन सागर, मिमिकॉय आइलैंड्स, आपने ये सब पढ़ा स्टूडेंट्स। इसके पहले पार्लियामेंट, सॉरी, इजरायली पोर्ट हाइफा, अदानी ग्रुप कंट्रोल टू दुबई लैंड कॉरिडोर डेवलपमेंट। इसके पहले स्टूडेंट्स, इक्वेडर में परेशानियां कोकेन ड्रग कार्टल्स को लेकर, पार्लियामेंट को भी लेकर कुछ आर्टिकल आया है विद PYQs वी सॉ इट। एंड साथ में ये देखिए, दिस द टॉपिक ऑफ रिपब्लिक डे टैबलॉज एंड प्रॉब्लम्स विद कन्फ्रंटेशन अमंगस्ट द सेंटर एंड द स्टेट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स, डिटेल टॉपिक ऑफ दिस, यस, ये दो न्यूज शॉर्ट में देखिए, देख लीजिएगा, अटल सेतु कल इनॉग्रेट किया गया, नवी मुंबई से लेकर सेवड़ी बॉम्बे तक, ये देखिए, कम्यूट टाइम कम करेगा नवी मुंबई और बॉम्बे के बीच में, अटल सेतु, ये देखिए, और सूरत इंदौर क्लीनर सिटीज, महाराष्ट्र टॉप्स स्टेट लिस्ट, ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स की तरफ से, ये देखिए, क्लीनर सिटीज का लिस्ट आया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, आपने पढ़ा स्टूडेंट्स क्लीन एयर प्रोग्राम, बिरनी हाट, और उसके पहले मैपिंग देखा आप लोगों ने स्टूडेंट्स। आज के लिए फिलहाल इतना ही है, ब्लैक सी मैपिंग देखा आपने, बिरनी हाट मेघालय में आपने देखा, एंड रिवर डैन्यूब आपने देखा स्टूडेंट्स। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, नमस्कार, जय हिंद, लेट्स एंड द सेशन। तो आज के लिए इतना काफी है, मैपिंग मिलते